गण के शपथ ग्रहण में उपस्थित आदरणीय पुनिया साहब, आदरणीय डॉक्टर चरण दास महन जी, आदरणीय सिंह देव जी, आदरणीय साहू जी, रवि चौधरी जी, मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय अनिल अग्रेजा जी, प्रवासी लक्ष्मा जी, गुरु कुमार जी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, भाई अमरजीत जी, भाई उमेश पटेल जी, डॉक्टर सिंह देवरिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मकाम जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मोहन मकाम जी, सांसद आदरणीय भाभी कृष्णा नाथ जी, सभी हमारे संसदीय सचिवगण, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, नरेंद्र साहू जी, भाई अंतिम शुक्ल जी, सभी उपस्थित विधायकगण, उपस्थित मुख्य सचिव और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों और पत्रकार साथियों, बहुत दिन से यह अपेक्षा रही है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कब होगी, वो क्षण अब समाप्त हुआ। ऐसे समय में जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में अग्रणी राज्यों में रहा है, जिसमें हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण, सभी विभाग ने अपनी महती भूमिका निर्वहन किया है। वहीं हमारे सामाजिक संगठनों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सबसे बढ़िया व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की रही है, सामाजिक योगदान भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो वहीं हमारे विधायकगण और सभी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, चाहे पंचायती राज से जुड़े हों, चाहे नगरी निकाय से जुड़े हों, सभी लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और इसी कारण से इसे नियंत्रण तक में सफलता मिली है। लेकिन चुनौती अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसे लड़ना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा तरीका यही है, जो बचाव के तरीके हैं उसके हम लोग अपनाएं। कुछ आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन इसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल यही है कि हम हमारे यदि कोई व्यवसायी है, दुकान में कोई व्यक्ति आते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से कहें कि आप मास्क लगा के पहुंचे, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, हाथ धोने का काम करें, बराबर दूरी को मेंटेन करें, तब इसे लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जहां हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और आज ही कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला, पूरे दुनिया में पहला राज्य है जहां गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा, आपके तालियों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल होने वाला है। लेकिन चुनौती भी उतनी ही है, हमारे पारंपरिक व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है और आधुनिकता के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से क्योंकि इस साल जून महीने में ही बरसात होने लगी है, बुआई का काम भी पूरा हो गया है, रोपाई का काम शुरू हो चुका है और हमारे जो बांध है उसमें पर्याप्त मात्रा में जल संग्रहण हो चुका है। हमें पूरा विश्वास है इस साल फसल भी अच्छी होगी, रकबा भी बढ़े हैं, किसान भी बढ़े हैं, तो अगले साल जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो राशि है उसमें भी वृद्धि होगी, तो उसका लाभ भी मिलेगा। जो नीति हमारे राहुल जी ने अपनाई है, जो न्याय योजना की बात उन्होंने कही है, वो इस संकट के काल में बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था ने साबित कर दिया है। उन्होंने कहा था न्याय के माध्यम से गरीबों के जेब में पैसा जाना चाहिए, किसानों के जेब में पैसा जाना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति
जाती है और महिलाओं के जेब में पैसा जाना चाहिए, और वही काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और इसी कारण से आप देखें कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है, औद्योगिक उत्पादन भी जहां हो रहे हैं वही हमारे व्यवसायिक गतिविधि भी संचालित हो रही है, और इस साल ट्रैक्टर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एजेंसियां, कितने सारे ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, मोटरसाइकिल में उतनी बिक्री हुई है। इस साल आप देखेंगे कि जून के त्रैमासिक में पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री फीस ज्यादा मिला है। ये सब बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नीति कांग्रेस ने अपनाई, कांग्रेस की नीति को हम लोगों ने पालन किया है, उसके कारण से अर्थव्यवस्था हमारे सभी वर्ग के जेबों में जहाँ पैसा पहुंचाने का काम किए हैं उसका लाभ मिला है। तो मैं बहुत ज्यादा और वक्त न लेते हुए संसदीय सचिवों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप सब बहुत अनुभवी मंत्रियों के साथ आप संबद्ध होंगे, उनके साथ रह के काम करना सीखेंगे, किस प्रकार से विभाग काम करता है, किस प्रकार से विधानसभा जाते हैं, ये सब आपको सीखना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ भविष्य में आप ही लोगों के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में आप लोगों का स्थान होगा, तो इसके लिए भी आप लोग प्रशिक्षण के रूप में लेना चाहिए, सीखने के रूप में काम लेना चाहिए। जहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, एक जो क्षेत्र में अपना पकड़ बना के रखता है, दूसरा जो प्रशासनिक कार्य है उसमें पकड़ बना लेता है, और तीसरा जो विधानसभा है जिसके सदस्य चुन के आए हैं वहां आपका परफॉर्मेंस यदि बहुत अच्छा हो। ये तीन प्रकार की विधाएं हैं जिसमें आपको पारंगत होना है, और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत आवश्यक है। इन तीनों क्षेत्रों में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।